अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्विस रोल घर में बेक किया है। और ये फ्रॉस्टिंग जो मैंने की है ये क्रीम चीज़ की है। क्रीम चीज़ स्ट्रॉबेरी स्विस रोल आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है। और दो तरीके से हम बनाएंगे, एक तो ओवन में और एक पतीले में। तो सबसे पहले जो है हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 अंडे लिए थे और 2 को मैंने पहले ही तोड़ लिया था, तीसरे को मैंने आपके सामने तोड़ा है। इनको बीट करना है और इतनी देर इनको बीट करना है ताकि ये फ्लफ़ी हो जाएं, अपने साइज़ से डबल हो जाएं। और इसके अंदर जो है हमने साथ साथ शुगर ऐड करते जाना है। इसको जितना आप फ्लफ़ी करेंगे ना, ये उतना ही केक जो है फूलेगा। स्विस रोल जो है उसमें अंडे ज़्यादा होते हैं और जो फ्लोर है वो कम होता है। अच्छा, हाफ कप मैंने शुगर ले लिया और ये मेयरिंग कप्स मैंने यूज़ किए हैं, मैंने कोई घर वाला कप नहीं लिया। आप भी प्लीज़ मेयरिंग कप्स ले लें, बाज़ार से बहुत सस्ते मिलते हैं। तो उसमें जो एक बड़ा कप होता है और एक उसके बाद जो हाफ कप मैंने यूज़ किया है शुगर, 3 एग्स थे और हाफ कप शुगर है। इसको ग्रेजुअली हम ऐड करते जाएंगे, साथ साथ हम बीट करते जाएंगे इसको। और आप देख सकते हैं कि कलर भी चेंज हो गया एग्स का और ये फ्लफ़ी भी हो गए हैं। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये वनीला एसेंस है, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाला है। वनीला एसेंस से ये होता है, एक तो टेस्ट बहुत बहुत नाइस आता है, दूसरा एग की स्मेल ख़त्म हो जाती है। बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग पाउडर आप डालें या ना डालें, इसमें नहीं भी जाता तब भी केक फ्लफ़ी बन जाता है। अच्छा, 1/2 कप मैंने फ्लोर लिया है, इसके अंदर मैदा लिया है 1/2 कप। ये मैंने छान लिया था, छानना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छे तरीके से छान के फिर यूज़ करें ताकि उसमें एयर इन्फ्यूज़ हो जाए। और अब ये मैंने इसके अंदर डाला है, तो इसको मैंने मशीन से नहीं चलाना। जब आप फ्लोर डाल लेते हैं ना, तो आप उसको मशीन से मिक्स नहीं करते, कट एंड फोल्ड होता है मेथड, जो मैंने भी आपके सामने किया, कट एंड फोल्ड। ये मैंने जो ट्रे लिया है ना, ये है गोरमे की ट्रे। मेरा जो ओवन है ना, उसकी जो ट्रे थी वो बहुत बड़ी थी, और एक मेरे पास छोटा ओवन है, वो भी मैं अभी उसकी ट्रे आपको दिखाती हूँ, वो बहुत छोटी थी। तो अब मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ तो मुझे ये नज़र आया, इसके अंदर केक रस आए थे, तो मैंने इसको यूज़ किया। इतना अच्छा है, इसके अंदर केक बेक हुआ है ना, और ये लेयर पतली होती है इसकी, क्योंकि हमने इसको फोल्ड करना है। ये मेरे दूसरी ट्रे है, ये मेरे छोटे ओवन की ट्रे थी, तो इसको इतना पतला इसको होना चाहिए। और थोड़ा बैटर डालें, ये फूल भी जाता है, मीन्स बाद में ये जो है राइज होगा तो ये बाहर भी गिर सकता है, इसलिए वो जो छोटी ट्रे थी उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है। अच्छा, ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था पहले से ही 180 डिग्री पे, और इसको अब हम बेक करेंगे 8 to 10 मिनट्स के लिए। आप प्लीज़ 8 मिनट्स के लिए बेक करना, मेरे ओवन में 8 मिनट्स में रेडी हो गया था, बट मैंने उसको 10 मिनट में निकाला तो वो थोड़ा सा जो है ना डार्क हो गया था नीचे से। 8 मिनट में बिल्कुल ठीक होता है, ये सबसे ऊपर टेम्परेचर है, उसके बाद नीचे ग्रिल है। ग्रिल मैंने सिर्फ नीचे वाली ऑन की है पंखे के साथ, और उसके नीचे जो था टाइम था वो मैंने 10 मिनट सेट किया था। अच्छा, ये पतीले के अंदर मैंने इसको बेक करने के लिए रखा है। पतीले के अंदर जो है, पतीले को भी पहले प्री हीट करना है 5 मिनट के लिए, तेज़ आँच पे। मैंने बीच में खोल के आपको दिखाया, हालाँकि बीच में खोल के नहीं दिखाते, वो काफ़ी राइज हो गया था। इसको पतीले के अंदर भी 8 मिनट लगे हैं मीडियम फ्लेम पे। पहले 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम कर दें, उसके बाद जो है मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है 8 मिनट्स के लिए, और ये बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने चेक किया इसको, आप कोई भी फोर्क डाल के चेक कर सकते हैं। अगर तो फोर्क के साथ केक लग रहा है तो इट मींस कि अभी उसको टाइम चाहिए, 1-2 मिनट और रखें। मेरी जो नाइफ़ है वो बिल्कुल क्लियर आई थी, तो मैंने इसको निकाल लिया, और ये बड़े अच्छा तरीके से, वो देखें कितना फ्लफ़ी हो गया है। ये मैंने कोई भी कपड़ा ले लें, टॉवल ले लें, इसको गरम गरम को फोल्ड करना होता है। नीचे मैंने आइसिंग शुगर छिड़की है ताकि ये चिपक ना जाए क्लॉथ के साथ, और ये देखें कितना प्यारा राइस हुआ हुआ है। और इसको जो है फिर साथ ही हम लोगों ने फोल्ड करना होता है, अदरवाइज़ ये फिर फोल्ड नहीं होता है, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये जो पतीले में, ये पतीले वाला है, पतीले में जो बेक किया था, तो ये इस तरह से ना आराम से गरम गरम में फ़ोल्ड करके इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें, ताकि ये अपने ही टाइम पे जो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और जो ओवन में है उसके भी 10 मिनट हो गए थे, तो उसके बाद मैंने इसको ओवन में से भी निकाल लिया था चेक करके। इसी तरह से कपड़ा लें, कपड़े के ऊपर आइसिंग शुगर स्प्रिंकल करें, और केक को इस तरह से निकाल लें। और ये बड़ा अच्छा इसके अंदर बेक हुआ है, इस सांचे के अंदर। अच्छा, 8 मिनट में आप निकाल लेंगे ना, तो ये थोड़ा सा जो आपको डार्क कलर लग रहा है ये नहीं होगा, और कुछ लोग डार्क कलर पसंद करते हैं,
इसी तरह से इसको फोल्ड करके रख लें। दोनों को मैंने फोल्ड करके रख लिया था। अब इसके बाद मैं इसकी सॉस रेडी कर रही हूँ, स्ट्रॉबेरी सॉस। स्ट्रॉबेरीज मैंने ली हैं, उसको कट कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/4 कप, हाफ का भी हाफ कप शुगर ऐड की है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था, 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर पानी ऐड करके इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। इसको मैंने वो जो हैंड मैशर आता है ना पोटैटोज़ को, जिसके साथ मैश करते हैं, उसके साथ मैंने इसको मैश किया है। तकरीबन 3-4 मिनट्स ये पकता है, 3-4 मिनट्स इसको कुक कर लें, और जब ये थिक हो जाएगा तो इसको आप ये रेडी हो जाएगा। व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है, और ये है क्रीम चीज़। मैं क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। क्रीम चीज़ वो बॉटल वाली क्रीम चीज़ नहीं लेनी, वो पानी छोड़ देती है और वो नमकीन होती है, सॉल्टी होती है। जो ये वाली क्रीम चीज़ है ये क्यूब्स में भी मिलती है, टब में भी मिलती है, आप कोई भी यूज़ कर लें। मैंने ये बड़ा पैक लिया था, मैंने हाफ यूज़ किया। और वनीला एसेंस इसके अंदर डालें 1/2 टेबल स्पून। अभी पहले क्रीम को बीट करेंगे, उसके बाद मैं क्रीम चीज़ को बीट करूँगी। शुगर ऐड कर लें अपने टेस्ट के साथ। अच्छी तरह से इसको बीट कर लें, और ये तकरीबन 2-3 मिनट्स लगते हैं ये बीट हो जाती है। और इसको बहुत ज़्यादा चिल करना है, ये जितनी चिल होगी ना ये उतनी अच्छे तरीके से बीट होगी। उसको मैंने बीट करके फ्रिज में रख दिया। अब ये क्रीम चीज़ के मैंने इनको मैंने लिया है, और ये मैंने तकरीबन ये 450 ग्राम जो है ये पैकेट है, जिसको मैंने 250 ग्राम तकरीबन यूज़ किया है उसमें से। और उसको भी अच्छी तरह से बीट कर लें, शुगर ऐड करें, और वनीला एसेंस अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर लें। दोनों चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे तरह से, इसको बीट करने के बाद आप क्रीम के अंदर इसको ऐड कर दें दोनों को, तो ये फ्रॉस्टिंग हमारी रेडी है। इसको बीट करने के बाद आप तकरीबन 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखें। मैंने नहीं रखा था, मैंने साथ ही इसको यूज़ कर लिया था। आप फ्रिज में रख देंगे तो स्विस रोल को रोल करते हुए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैंने इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया था, बट आपके लिए एक टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। आप क्रीम जितनी स्टिफ होगी ना, इसको बीट करने के बाद क्रीम को 20 मिनट्स के लिए आप ज़रूर फ्रिज में रखिएगा, और वो जो सॉस हमने रेडी की थी उसको भी थोड़ा सा ठंडा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना वरना वो जम जाएगी, थोड़ा सा उसको भी ठंडा करने के लिए रखिएगा। ये अभी मेरी थोड़ी सी पतली हो गई है, मैं अगर इसको फ्रिज में रखती तो इसने बड़ी अच्छे तरीके से इसकी ना जो शेप होल्ड हो जानी थी। मैंने इसको लगाने के बाद फ्रिज में रखा था तो शेप बड़ी अच्छी होल्ड हो गई थी। क्रीम चीज़ और क्रीम, इसकी फ्रॉस्टिंग आप अंदर लगाएं, उसके बाद जो ये सॉस हमने बनाई है इससे कलर बड़ा अच्छा आता है जब आप इसको रोल करते हैं ना, तो जब इसको कट करेंगे तो डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, तो वो कलर्स अच्छे लगते हैं। ये जो मैंने रोल किया ये मैंने उसका था पतीले से जो हमने बेक किया, कितना अच्छा पतीले में बेक हो गया था। ये पतीले वाला है, इसके बाद जो है मैं ओवन वाला लगाऊंगी। इसमें भाई ये थोड़ा सा वो पतला हो गया था ना, तो वैसे तो रोल हो गया था ये अच्छे तरीके से इस तरह से, बट ये है कि स्ट्रॉबेरीज की जो ये फिलिंग थी वो थोड़ी सी बाहर निकल आई है। जब वो थिक होगी ना तो वो इस तरह से बाहर नहीं निकलेगी। इसको आप फ्रिज में रख दें, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, ये ओवन में रेडी किया हुआ है। अच्छा, जो पतीले में रेडी किया था ना, उसको जब रोल किया उस पर ज़रा सा भी कोई क्रैक नहीं आया। इस पर हल्का सा एक दो क्रैक आ गया, वो हम बाद में क्रीम से या आइसिंग शुगर छिड़क लें या क्रीम ऊपर लगा लें तो उससे वो नज़र नहीं आता। अब इन दोनों को जो है मैंने ऐसे रोल करके, ये पतीले वाला है और उधर वाला जो है वो ओवन वाला है, मैंने इसको फ्रिज में रखा था 20 मिनट्स के लिए, इसको फ्रिज में रखना है। अब देखिए फ्रिज में रखने के बाद कितने अच्छे तरीके से क्रीम सेट हो गई है और इसने शेप भी अपना होल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर आप आइसिंग शुगर छिड़क लें या आप क्रीम लगा लें। मैंने एक को क्रीम के साथ डेकोर किया था और एक को मैंने ऐसे ही रखा है। ये जो ओवन के अंदर बेक किया था तो उसको मैंने क्रीम लगाई है ऊपर से इस तरह से, और स्ट्रॉबेरीज कट करके ऊपर मैंने सेट कर दिया। जिस तरह से भी आपका दिल करता है आप उस तरह से इसको डेकोरेट करें।
बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्लफी। ये तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनता है, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। जिस दिन बनता है उस दिन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये अंदर से देखिए कितनी प्यारी शेप आई है। होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी रेसिपी भी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वो सेकंड वाला था उसको मैंने ऐसे ही प्लेन रखा है, उसको भी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। वो भी बड़ा खूबसूरत, वो बल्कि ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बल्कि जो पतीले में बना ना वो ज़्यादा खूबसूरत बना है। और आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।